अभी जो कार्यालय खुला है अनुमंडल कार्यालय में, तो कैसे काम कर रहे हैं, पब्लिक के इंटरेस्ट में कैसे काम कर रहे हैं? सर, ये अनुमंडल कार्यालय तो नहीं है, लोक शिकायत निवारक कार्यालय, जिसको सरकार के द्वारा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है काम का जो भी। अच्छा, तो अभी पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई काम हो रहा है? पब्लिक इंटरेस्ट में अभी काम नहीं हो रहा है, और प्लस जो हम लोग का कोरोना भी रिपोर्ट आता है प्रत्येक प्रखंड से, उसको बनाकर रिपोर्ट को भेजना होता है। तो अभी जितने लोग आते हैं आपके पास, तो सैनिटाइजेशन और मास्क का कैसे इस्तेमाल करवाते हैं? नहीं, सभी लोग हमारे यहाँ से सैनिटाइजर से रखा हुआ है। अच्छा, मास्क लोग अपना लगा कर आते हैं। तो आप लोग जैसे कार्यालय में आते हैं तो सैनिटाइजेशन वगैरह सब करते हैं? हाँ, तो वो सब करके ही कार्यालय में अपना काम को आधा घंटा एक घंटा तक अपना हाथ से खुलते रहते हैं। अच्छा, तो अभी पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई काम नहीं? पब्लिक अभी मैंने बात है, ऑफिस भी बंद है, कोई आ नहीं रहा है। तो अभी बेसिकली काम क्या हो रहा है? बेसिकली काम हम लोग के यहाँ अभी कुछ नहीं हो रहा है, जो हो रहा है वो फिर कोरोना का ही काट किया जा रहा है। अच्छा, कोरोना से संबंधित जो काम है वही किया जा रहा है बस। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम मुन्ना है, एजुकेटिव असिस्टेंट। आप अनुमंडल कार्यालय में पदस्थापित हैं, तो अभी कोरोना काल जो खौफ का एक माहौल है, उसमें आप लोग कैसे कार्य कर रहे हैं? कार्य तो करना ही पड़ रहा है, ऑफिस खुला है, काम पब्लिक के लिए बंद है, तो कार्य तो करना पड़ रहा है। अच्छा, पब्लिक इंटरेस्ट में कोई काम नहीं हो रहा है अभी क्या? ना, पब्लिक के इंटरेस्ट में काम। तो अभी क्या काम कर रहे हैं? अब ये है, मतलब जो मैंने एक से थाना वाना से जो रिपोर्ट आ रहा है त्यौहार वगैरह में या इलेक्शन के लेकर के, जिसे 107 का रिपोर्ट आ रहा है, उसको बाजाब्ता किया जा रहा है निष्पादित। तो विधि शाखा में जो थाना से रिपोर्ट आ रहा है उस पर कार्य किया जा रहा है? जी जी जी, वकील लोग तो आ नहीं रहे हैं, जैसे सिविल कोर्ट में भी नहीं आ रहे हैं, कहीं हाई कोर्ट में नहीं आ रहे हैं, यहाँ भी नहीं आ रहे हैं, तो वो कार्य हो न्यायालय कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन जो अर्जेंट केसेज है, जैसे 107 का है, 144 का है, ये सब मामला जो अर्जेंट जहाँ है ना, उसके लिए त्यौहार को लेकर के, जैसे ये था लॉकडाउन में जिस विधि व्यवस्था को लेकर था, उसमें 107 का लगातार जा रहा है नोटिस। अच्छा, नोटिस का काम किया जा रहा है। और पब्लिक इंटरेस्ट में भी कोई काम नहीं हो रहा? ना, पब्लिक इंटरेस्ट में तो बंद है, लॉकडाउन है, तो उसमें तो। अच्छा, ये बताइए कि सैनिटाइजेशन जो आप लोग करते हैं, तो क्या यहाँ पे जो आदमी लोग आते हैं तो उनको सैनिटाइज कैसे करते हैं, मास्क लगाने के लिए? पब्लिक तो ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, मास्क तो लगाए हुए। आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? मास्क तो मास्क लिए हुए। हाँ, मास्क लगा के ही काम कर रहे हैं, इसीलिए ये नहीं है, जब पब्लिक आते हैं तो मास्क लगा लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है? ध्यान दिया जा रहा है। शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम श्याम दास जी। आप यहाँ पे विधि विभाग में क्या कौन से पद पर? अच्छे पेशा, ठीक है, धन्यवाद। बिहार सरकार के निर्देश पर मैंने आज दफ्तर दफ्तर के चक्कर लगाए, वहाँ पर बहुत सारे पदाधिकारियों से बात हुई। उन्होंने कहा कि जो अभी गतिविधि चल रही है, क्योंकि अभी चौथा चरण का आखिरी पड़ाव ये चल रहा है, इसमें कुछ छूट दी गई है सरकार के द्वारा, बहुत सारे कार्यालय खोले गए। उन लोगों ने कहा कि बहुत सारे अभी जो जनहित में कार्य किए जाने हैं वो अभी कार्य नहीं हो रहे हैं, और कोरोना से संबंधित जो कार्य हैं वही किए जा रहे हैं। यह से रिपोर्टर्स पे न्यूज़ के लिए फैज़ अहमद।